एवरीवन, वेलकम टू जीके शॉर्ट्स विद परचम। आज हम बात करेंगे पानीपत के बैटल के बारे में। हरियाणा के पानीपत में तीन बैटल्स लड़ी गई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 1526 में लड़ी गई थी और ये बैटल बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में थी, जिसमें बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की हार होती है और इसके बाद भारत में मुगल सल्तनत की शुरुआत होती है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में 1556 में लड़ी गई थी और ये सेकेंड बैटल हेमू और अकबर के बीच में लड़ी गई थी। हेमू की हार होती है और अकबर की जीत होती है। फुल एंड फाइनल थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुई थी और ये थर्ड बैटल मराठा साम्राज्य और अफगानों के बीच में हुई थी और अफगान के जो राजा थे वो थे अहमद शाह अब्दाली, उनके बीच में ये बैटल लड़ी गई थी और इस बैटल में मराठाओं की बहुत बुरी तरीके से हार होती है और इसका सदमा बालाजी बाजीराव बर्दाश्त नहीं कर पाते और 6 महीने के बाद ही पानीपत के बैटल के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बालाजी बाजीराव की डेथ के बाद अगले पेशवा कौन बनते हैं। टेक केयर।